नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ वीमा प्रसाद। चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार मामले में भले ही लालू को सजा हो गई हो, लेकिन अभी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है। वो चारा घोटाले की तीन और मामलों में ट्रायल फेस कर रहे हैं। सोमवार को डोरंडा कोषागार मामले में गवाह की गैर हाजिरी के कारण सुनवाई टल गई। वहीं चाईबासा मामले में केवल सीबीआई की तरफ से ही कोर्ट में दलील पेश की गई। चाईबासा और देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा करके लाखों रुपए की निकासी करने के आरोप में जेल में बंद लालू प्रसाद को लंबे समय तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लालू यादव फिलहाल चारा घोटाले के तहत चाईबासा, डोरंडा और दुमका कोषागारों से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के मामले में ट्रायल फेस कर रहे हैं। सोमवार को रांची में डोरंडा मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन गवाह के गैर हाजिर रहने के कारण एक बार फिर सुनवाई टल गई। वहीं चाईबासा कोषागार मामले में केवल सीबीआई की तरफ से ही कोर्ट में दलील पेश की गई। अच्छा, इन लोगों को जानकारी है, पशुपालन का अच्छा जानकारी है, ओल्ड एज भी है, इसलिए रेफर किया जाता है। झारखंड सरकार से अनुशंसा किया जाता है कि इन लोगों को हजारीबाग ओपन जेल में रखा जाए ताकि इन लोग अपना जो भी सजा है अच्छे से काट सके। इस बीच लालू यादव देवघर कोषागार मामले में अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लालू प्रसाद को देवघर कोषागार से निकासी मामले में गड़बड़ी करने का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उन्हें 3.5 साल जेल और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जजमेंट की कॉपी हम लोग को मिल गई है, अब अपील में जाएंगे। जो भी समय लगा अपील तैयार करने में, अपील तैयार करके हाईकोर्ट में अपील करेंगे बेल के लिए। चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में सजा सुनाए जाने के बाद लालू यादव रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद है। सोमवार को उनसे मुलाकात का दिन था, लिहाजा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने जेल में लालू यादव से मुलाकात की। वहीं आरजेडी एमएलसी रणविजय सिंह को जेल में लालू यादव से मिलने का मौका मिला। दोनों नेताओं ने बिहार आने के बाद कहा कि लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन वो अपनी बहन की मौत से आहत हैं। हालांकि लालू यादव ने अपनी बहन के देहांत के बाद पैरोल के लिए आवेदन देने से इनकार कर दिया। कि बड़ी बहन का जो है ये हुआ शोक में, तो थोड़ा उसको लेके थोड़ा वो परेशान है और काफी ज्यादा थोड़ा ये में भी है, दुख है। बट निश्चित है कि जो है भाई बहन का प्रेम है तो कोई किसी को जो है, और इसी को लेके जो है काफी ज्यादा वो शोक में है। वहीं सजा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर लालू के समर्थक उनके लिए जरूरत का सामान लेकर बिरसा मुंडा जेल पहुंचे। ये लोग लालू की सेहत को लेकर चिंतित दिखे। बहरहाल चारा घोटाले में कुछ मामलों की सुनवाई जारी है। हाई कोर्ट से राहत मिलने तक लालू यादव को चैन मिलने के आसार कम हैं। कुमार चंदन के साथ कामरान, जी मीडिया, रांची। डॉक्टर को धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है और कई लोग इसी भरोसे की आड़ में अपनी दुकान चलाते हैं। उनके लिए इंसानी जान से ज्यादा कीमती उन्हें मिलने वाला वो मुनाफा है जिसके बदले वो मरीजों की जान का सौदा करने में भी नहीं हिचकते। हजारीबाग में ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां एक झोला छाप डॉक्टर ने अपने मरीज की जान की कीमत लगाई, महज 35,000 रूपये। ये डॉक्टर नहीं, हैवान है। मरीज को मार डाला, जान की कीमत 35,000। कितना लगभग किया? कितना किया? 35,000। बात कितना में किया था? 50,000। 50,000 में 35,000 काहे दिया? 15,000 में काहे दिया? 15,000 बोल रहा है कि मैंने ये जनवरी महीना में दे देगा। दे दे। जी हाँ, सही सुना आपने। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के हथिया इलाके में एक झोला छाप डॉक्टर ने एक मरीज की जान की कीमत लगाई, महज 35,000 रूपए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शत्रुघ्न भुइया की जान कैसे चली गई और फिर उसकी जान का सौदा क्यों हुआ। तो उसकी बेटी की जुबानी ही सुनिए उस पर गुजरे सितम की कहानी। आज वेन में लगाने से, एंटीबायोटिक दवा वेन में लगाने से तो कम से कम आधा घंटा दिया जाता है, आधा घंटा के अंदर। अब वो एक मिनट के लिए अंदर पूरा 3 ml सिरिंज पूरा डाल दी पापा के वेन में पूरा। और उसके बाद जैसे ही दिए वैसे पापा को उल्टी भी हुआ था। उसके बाद रात में खाना वाना खाए वो, और 600 mg का था ये टैबलेट जो खाए, और उसी टाइम से ज्यादा पा। दरअसल शत्रुघ्न भुइया को एक जख्म था,
तेज दर्द के बाद वो झोला छाप डॉक्टर के पास गया, जहां उस डॉक्टर ने उसे एंटीबायोटिक का हाई डोज इंजेक्शन दे दिया। इसकी वजह से शत्रुघ्न भुइया की मौत हो गई। उसके बाद झोला छाप डॉक्टर ने मामले को दबाने की कोशिश की और मृतक के परिवार को 50,000 रुपए देने का वादा किया, लेकिन 35,000 रुपए देकर वो अपने वादे से मुकर गया। ये झोला छाप डॉक्टर भले लाख सफाई दे, लेकिन मामला सामने आने के बाद अब जांच टीम बिठा दी गई है। टीम बन गई है, ये टीम जाकर के झोला छाप डॉक्टरों का क्लिनिक का जांच करेगी। यदि अवैध रूप से कोई भी झोला छाप का तो है ही, या अवैध रूप से कोई दूसरे नर्सिंग होम से संचालित होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, उनको बंद किया जाएगा और ऊपर विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा, साथ में एफआईआर किया जाएगा। साफ है कि जल्द से जल्द ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये मरीजों की जान से खिलवाड़ करने से पहले लाख बार सोचे। यादवेंद्र सिंह, जी मीडिया, हजारीबाग। कोडरमा में आवारा कुत्तों के शिकार बनी 12 साल की बच्ची की मौत पर मुख्यमंत्री ने शोक जताया है और पीड़ित परिवार को 1,00,000 रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मरकच्चू थाना क्षेत्र के भगवती डीह गांव में मासूम बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। बताया जा रहा है कि उमेश सिंह की बेटी मधु आंगनबाड़ी केंद्र के पास खेत में शौच करने के लिए गई थी, इसी दौरान कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया। कुत्तों ने उसके शरीर को कई जगह से नोच डाला। बच्ची ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुत्तों के झुंड के आगे उसकी एक न चली। बाद में कुछ लोगों ने परिजनों को जानकारी दी। लोगों के मुताबिक जहां घटना हुई वहां पशुओं के शव फेंके जाते हैं, ऐसे में यहां अक्सर आवारा कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है। घटना के बाद बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची के पिता उमेश सिंह दिल्ली में मजदूरी करते हैं, वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सरकार ने मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। लेकिन इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। खुले में शौच के दौरान घटना हुई है, जबकि कोडरमा को ODF घोषित किया गया है, ये सबसे हैरान करने वाली बात है। कई शहरों में कुत्तों का आतंक है, इसके लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है, सबक आखिर क्यों नहीं लिया गया? प्रशासन आवारा कुत्तों पर नकेल कसने के लिए कितने हादसे का इंतजार करेगा? नगर परिषद, नगर पंचायत, वन विभाग की ओर से सकारात्मक पहल क्यों नहीं की? जरा सोचिए, क्या हो अगर एक मां अपनी बेटी को पढ़ने के स्कूल भेजे और फिर वो लौटकर ही ना आए? जरा सोचिए कि क्या हो अगर किसी की बेटी स्कूल से गायब हो जाए और किसी को इसकी कानों कान खबर तक न चले? ऐसी कहानी पर यकीन करना जरा मुश्किल है, लेकिन लोहरदगा की एक मां की जिंदगी कुछ ऐसे ही सवालों के तूफान से गुजर रही है। गुमशुदा बेटी की तलाश, स्कूल से गायब हुई बिटिया, अब तक नहीं मिला सुराग, कहां है शाजिया? जी हाँ, कहाँ है शाजिया? यही सवाल इस माँ का भी है, जो अपनी बिटिया की एक झलक देखने के लिए तड़प रही है। सेना खान टोली के रहने वाली इस माँ ने महज 3 महीने पहले अपनी लाडली का एडमिशन कस्तूरबा गांधी विद्यालय की 9वीं क्लास में कराया था। रविवार को खबर मिली कि उसकी बेटी स्कूल से गायब है। आए घर, हम तो पूछे तो बोल रहा है कि नहीं, शाजिया ना पता है, कल है 4 बजे से, तो हम बोले कि कहाँ गया आप लोग को पता नहीं है? तो नहीं, हम लोग को पता नहीं है, सोचे कि हम लोग के घर आया होगा। तो हम बोले कि कई बजे निकला है? तो इन लोग का टाइम मालूम नहीं था, तो बोला वही 4 बजे लगभग बोल रहा है इन लोग। तो हम बोले कि आप लोग का टाइमो मालूम नहीं है? तो नहीं, से नहीं टाइम मालूम है, कह के इन लोग बोला। और तो बोले कि कल तुम 4 बजे निकला है, तो आप आए हैं 4 बजे, कह के हम बोले इन लोग के 4 बजे खबर से रात में कहे नहीं किए। शाजिया कहाँ है, ये सवाल तो सभी के जेहन में है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं, स्कूल प्रबंधन के पास भी नहीं, जिस पर शाजिया के हिफाजत की जिम्मेदारी थी। स्कूल की वार्डन तो सुरक्षा के बदतर इंतजामों के लिए प्रबंधन को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। हमारा स्कूल का जो व्यवस्था है पूरा गया एकदम जर्जर है, कहीं से भी बच्चा भाग सकता है, टूटा हुआ भी है, और जो घेरा बना हुआ है बिल्कुल, वहाँ से तुरंत भी कोई बाहरी व्यक्ति भी घुस सकता है और बच्चे भी फंस सकते हैं, कहीं भी सेपरेट में जगह नहीं।
ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि स्कूल प्रशासन यहाँ रहकर पढ़ने वाली लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी सचेत नहीं था, वरना इतने लोगों के बीच से अचानक एक लड़की गायब नहीं हो जाती। बहरहाल अब सभी की उम्मीद पुलिस पर टिकी है, जो शायद शाजिया का कोई सुराग ढूंढ सके। पारस कुमार साहू, जी मीडिया, लोहरदगा। और अब बात ठंड की। बिहार झारखंड कोहरे और कोल्ड वेव की चपेट में है। शहर हो या फिर देहात, हर जगह ठंड ने प्रचंड रूप अख्तियार कर रखा है। कामकाजी लोगों से लेकर किसान तक सर्दी के सितम से परेशान हैं। सर्द हवाओं और कुहासे के कारण लोगों का जीना मुहाल है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक लोगों को इससे राहत भी नहीं मिलने वाली है। वहीं देवघर के कुंडा में बाबूपुर गांव में ठंड 48 साल के व्यक्ति की ठंड से 48 साल की व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक प्लास्टिक की झोपड़ी बनाकर रह रहा था और इसी वजह से रात में ठंड लगने से उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद सुबह उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने शख्स की मौत के लिए स्थानीय प्रशासन को ही मौत का जिम्मेदार माना है और गुस्सा भी दिखाया है। दरअसल मृतक एयरपोर्ट निर्माण के चलते विस्थापित हो गया था और प्लास्टिक की झोपड़ी में रहने को मजबूर था। प्रशासन ने कंबल भी बांटे थे, लेकिन कई परिवारों को इसका फायदा नहीं पहुंचा। वहीं अधिकारियों ने मौत की वजह बीमारी बताई है। कंबल की प्रत्येक पंचायत में 140 कंबल का वितरण किया गया है। 40 से 50 कंबल का वितरण हो चुका है और जहां लाखों रुपए मुआवजा के रूप में प्राप्त है, तो वो आर्थिक तंगी का सवाल ही नहीं उठता। नहीं तो फिर तो ये तो देखते ही लगता है सर। और खुद मुखिया कह रहे हैं कि इस 100 की बस्ती में मात्र 3 कंबल उन्होंने दिया है यहाँ पे, तो ये नाकाफी नहीं है। अब आपको आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए मुआवजा के रूप में प्राप्त है, तो 100 रुपए कंबल खरीदने की अर्हता तो हर व्यक्ति रखते ही रखते हैं। जी बिहार झारखंड की मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज हो चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची में जी बिहार झारखंड के एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर इस मुहिम का शुभारंभ किया। इस मौके पर जी बिहार झारखंड के चैनल हेड पुरुषोत्तम वैष्णव और रघुवर सरकार के कई आला अफसर मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी बिहार झारखंड की मुहिम। सीएम रघुवर दास ने किया शुभारंभ। बेटियों को बचाने के लिए शपथ ली। झारखंड में जी बिहार झारखंड की सबसे बड़ी मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची में इस मुहिम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने जी बिहार झारखंड के एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाई। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है। अब ये जागरूकता रथ पूरे झारखंड में हर जिले हर कस्बे में मुख्यमंत्री के संदेश को लेकर जाएगा। ये एलईडी वैन झारखंड के लोगों के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जी बिहार झारखंड की मुहिम की तारीफ करते हुए कहा कि इससे झारखंड में बेटियों को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और उन्हें पढ़ाने लिखाने के प्रति लोगों की सोच बदलेगी। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में हमारी लड़कियां शिक्षित रहे या समाज और राज्य के लिए शर्म और लज्जा की बात है। मैं झारखंड वासियों से अपील करना चाहता हूं कि भले हमें दिन में एक पेट भोजन छोड़ना पड़े तो हम छोड़े, लेकिन हमारे घर की कोई लड़कियां अशिक्षित न रहे। इस मौके पर जी बिहार झारखंड के चैनल हेड पुरुषोत्तम वैष्णव भी मौजूद रहे। मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पुरुषोत्तम वैष्णव ने कहा कि जी बिहार झारखंड सरकार की हर सकारात्मक सोच और पहल के साथ खड़ा है, ताकि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बेटी को बचाने बेटी को पढ़ाने से लेकर के और प्रदेश के विकास के लिए इन्वेस्टमेंट की चिंता, आदिवासी के घर पे अनाज पहुंचाने की योजना से लेकर के युवाओं को रोजगार तक की चिंता, तो संपूर्ण विकास को लेकर के जो एक बीड़ा रघुवर दास जी ने उठाया है, उस मुहिम में हम सकारात्मक तौर पर साथ में हैं सरकार के। जी बिहार झारखंड की मुहिम के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री के साथ उनके कई आला अफसर भी मौजूद थे। इस मौके पर झारखंड के प्रधान सचिव संजय कुमार और विकास आयुक्त अमित खरे ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बेटियों की स्थिति में सुधार होगा। महिला सशक्तिकरण
विमेन एम्पावरमेंट सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये कार्यबद्ध तरीके से राज्य सरकार इसको कर रही है। आपने इस पर ध्यान दिया है, आप इसको आगे पहुंचा रहे हैं, इसलिए जी बिहार झारखंड को झारखंड सरकार की ओर से और व्यक्तिगत मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला सशक्तिकरण के काफी प्रयास किए हैं, चाहे कस्तूरबा विद्यालयों का उन्नयन हो, बच्चियों की शिक्षा हो या महिलाओं की रजिस्ट्री 1 रुपए में करना हो, ये सारे प्रयास इसीलिए हैं कि महिलाओं को सशक्त किया जाए। आधी आबादी जब सशक्त होगी, आर्थिक विकास में योगदान देगी, तब निश्चित रूप से राज्य और तेजी से विकास पे आगे बढ़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का मकसद है समाज में बेटियों के साथ गैर बराबरी का दर्जा खत्म करना और विकास की राह में बेटियों की भी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करना। सन्नी शारद के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का मकसद है झारखंड की ज्यादा से ज्यादा बेटियों को समाज की मुख्य धारा में लाना। इसके लिए उन बेटियों का हौसला बढ़ाया जा रहा है जो पढ़ लिखकर कुछ करना चाहती हैं। इसी अभियान के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री ने गुमला की रहने वाली ऋतु को 1 लाख रुपए के नाम से सम्मानित भी किया। झारखंड की बेटी रितु का सम्मान, सीएम रघुवर ने किया सम्मानित, रितु को 1 लाख रुपए की मदद। झारखंड की बेटियों के लिए मिसाल। जी बिहार झारखंड ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत की तो झारखंड की बेटी रितु इस मुहिम का खास चेहरा बन गई। गुमला की रहने वाली रितु ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का समर्थन करते हुए बाल विवाह से इनकार कर दिया था और बाल कल्याण समिति के जरिए मुख्यमंत्री तक अपनी गुहार पहुंचाई थी। रितु कुमारी को उसके हौसले और इरादे के लिए मुख्यमंत्री ने 1 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। मैं हमारी झारखंड की बेटियां बहुत साहसिक है और गुमला की एक बेटी ने साहस करके ये सिद्ध कर दिया कि झारखंड को आगे बढ़ाने में शिक्षा का कितना महत्व है और इसलिए इस बेटी को मैं मुख्यमंत्री विवेकाधीन से और आगे पढ़े और आगे बढ़े 1 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ। 15 साल की रितु कुमारी गुमला के जोराग गांव की रहने वाली है। वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन जब माँ बाप ने इसी उम्र में शादी तय कर दी तो उसने फैसले का विरोध कर दिया। इस सम्मान से खुश रितु का कहना है कि वो पढ़ लिख कर समाज के लिए कुछ करना चाहती है और सरकार के सामाजिक अभियान में भागीदार बनना चाहती है। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैं हमारे मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत आगे बढ़ सकूं और मैं ऐसे ही पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हूं, क्योंकि और लड़कियों ये सब देख के और जिसका ऐसा होता है वो आके CWC में दर्ज करना चाहेंगे। रितु के इसी जज्बे का सम्मान करते हुए रघुवर सरकार ने उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया है। रितु को कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ाया जाएगा, मदद की राशि रितु के बैंक खाते में डाली जाएगी और बाल कल्याण समिति रितु के लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। सभी के लिए आदर्श है ऋतु और मैं आशा करता हूं कि राज्य की सभी बच्चियां ऋतु को देखें। इन्होंने जो कठिन निर्णय लिया अपने लिए और समाज के लिए, ये सबके लिए आदर्श बने। आदर्श तो है ही, साथ साथ मैं ये भी जोड़ूंगा कि झारखंड की बच्चियां अब सशक्त हो रही हैं, चाहे परिवार के अंदर हो, समाज में हो या राज्य में हो, ये पढ़ लिख करके झारखंड को आगे बढ़ाना चाहती हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि सारी लड़कियां पढ़ लिख के सशक्त हों और अपना ही विकास नहीं पूरे राज्य का विकास। जी बिहार झारखंड की मुहिम भी ऐसी ही बेटियों को आगे लाना है जो समाज की रूढ़िवादी सोच के खिलाफ पढ़ लिख कर कुछ करने का मादा रखती हैं। इसी मकसद के साथ हम झारखंड के गांव शहर में घर घर पहुंच रहे हैं। सन्नी शारद के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची।
समाज में बदलाव तभी आएगा जब हमारी सोच बदलेगी। खासकर बेटियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सामाजिक जागरूकता जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी बात का ख्याल करते हुए जी बिहार झारखंड ने ऑनलाइन शपथ पत्र लॉन्च किया है, जिसे भरकर आप भी हमारी मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। जी बिहार झारखंड की मुहिम, बेटियों को बचाने की शपथ। आप भी जुड़िए हमारी मुहिम से। एक शपथ बेटियों के नाम। बेटियों को बचाना और आगे बढ़ाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि वक्त की जरूरत भी है। इस जिम्मेदारी और जरूरत को हम बखूबी समझते हैं, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के साथ हमने शुरू किया है एक खास अभियान। ये अभियान है बेटियों को बचाने की शपथ लेने का। रांची में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के शुभारंभ के दौरान ऑनलाइन शपथ पत्र लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस अभियान की तारीफ करते हुए शपथ पत्र पर दस्तखत किए। उनके अलावा झारखंड के प्रधान सचिव संजय कुमार और विकास आयुक्त अमित खरे ने भी शपथ पत्र पर साइन करके बेटियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। सबसे पहले जी बिहार झारखंड को मेरी ओर से शुभकामनाएं कि आपने इतने अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर इतनी पहल की है। माननीय मुख्यमंत्री ने, विकास आयुक्त महोदय ने जो सरकार की मंशा है वो ऑलरेडी आप लोगों के सामने रखी है। 50% आबादी है और उनके विकसित हुए बिना समाज का और राज्य का देश का विकास होना संभव नहीं है। जी बिहार झारखंड ने बहुत अच्छी पहल की है और झारखंड सरकार ने पिछले 3 सालों में महिला सशक्तिकरण के काफ़ी प्रयास किए हैं, चाहे कस्तूरबा विद्यालयों का उन्नयन हो, बच्चियों की शिक्षा हो या महिलाओं की रजिस्ट्री 1 रुपये में करना हो। ये सारे प्रयास इसीलिए हैं कि महिलाओं को सशक्त किया जाए। आधी आबादी जब सशक्त होगी, आर्थिक विकास में योगदान देगी, तब निश्चित रूप से राज्य और तेजी से विकास पे आगे बढ़ेगा। इस शपथ पत्र का मकसद है बेटियों के विकास और सुरक्षा के लिए वचन लेना, ताकि आधी आबादी की पूरी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जी बिहार झारखंड के इस अभियान में बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। अगर आप भी इस अभियान के साथ हैं तो ऑनलाइन शपथ पत्र भरकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इस जागरूकता रथ के करीब कोई भी लोग आएंगे जो इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये पेज मिलेगा जिसमें सबसे पहले वो यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, शहर का नाम लिख सकते हैं और इस मुहिम का मैं समर्थन करता हूँ और करती हूँ, तो ये वो फिर इसको ओके कर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है कि एक प्रतियोगिता है जिसमें कुछ सवाल होंगे, उस सवालों के जवाब को देकर भी लोग इससे सीधे जुड़ सकते हैं। अब तक सैकड़ों लोग हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं और बेटियों की सुरक्षा के लिए शपथ लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सन्नी शारद के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। और इसी के साथ फिलहाल